हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, इस व्लॉग में हम बनाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता। और आज है वेडनेसडे और 13 और दूसरा रोज़ा। सो गाइज, यस, तो मुझे बनाना तो नहीं आता, लेकिन मेरी बहन मुझे बताएगी कि कैसे बनाते हैं। वो बोलेगी हम बनाएंगे एंड दैट्स ऑल। सो लेट्स गो और चलते हैं किचन में। वो सारी चीज़ें काट रही है और देन हम करते हैं, ठीक है। तो गाइज, ये है गोभी और ये है शिमला, ये है प्याज और ये है लहसुन। और ये हमारे पास मैक्रोनी हमारे पास दूसरी वाली थी, लेकिन इतना टाइम नहीं था बॉइल करें, ये बॉइल हुई भी थी। और ये है हमारे पास टमाटर का पेस्ट और ये बटर और ये क्रीम। तो गाइस, अब भी हमारे फ्राइज बन रहे हैं, उसके साथ चिकन बॉईल हो रहा है। तो हम जब ये हो जाएगा फिर हम अपना वाइट सॉस पास्ता बनाएंगे। लेट्स गो। ये फ्राइज फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पे वाइट सॉस पास्ता बनेगा और मैं तुम्हें हेल्प करूँगी। यस गाइस, मैरिनेट करने के लिए हम पहले डालेंगे विनेगर। कितने डालो? डालती जाओ बस, ठीक है जी। उसके बाद सोया सॉस डालना है। डालो, बस। उसके बाद हमने डालना है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर डालना है। नीचे नहीं गिराते हैं। बस अब नमक डालो थोड़ा सा। अब हमने डालना है थोड़ा सा चिल्ला, ये थोड़ा होता है बस। अब फिर हमने डालना है अपना चिकन। डाल दो ऐसे ही ना, डाल दो। करो करो, हाथ से कर लो, निकालो भाई। हाँ करो, तो यहाँ पे फिश फ्राई हो रही है, यहाँ पे शेक बन रहा है। चलो बस। तो गाइस, थोड़ा सा थोड़ा हो गया था तो अब इसको सेट तो मैंने करना है ना बैक कैमरा पे। मतलब ठीक था बस, अब थोड़ा सा इसको सेट करो ना बस। अब हम इसको छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए, ठीक है। तो ऐसे हम फ्राई पैन में बनाएंगे क्योंकि हमारे पास जो मैक्रोनी है वो थोड़ी सी है, ठीक है। तो ऑलिव ऑयल डालेंगे। डालो 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 बस। ऑलिव ऑयल डालेंगे और तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो अब हमारा चिकन भी मैरिनेट हो गया है, ऑयल भी गर्म हो गया है। इसका करूँगा ये लो। अब इसको मिक्स करो हाथ से, जल्दी जल्दी करना है काम। और एक एक बोटी उठा के डालो उसमें, डालो आराम से, पीछे होके जलना नहीं है। डाल दो बस इसको थोड़ा सा और टाइम चाहिए ताकि ये वो हो जाए, गल जाए। उसके बाद हम इसमें इसको निकाल के इसमें आगे का प्रोसेस करना था आपको बताएंगे। तो गाइस, यहाँ मैंने ग्रीन चिली और रेड चिली डाल दी थी ताकि इसमें थोड़ा सा कलर, इसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। तो गाइस, हमने फ्राई पैन से इसे निकाल दिया और ये कुछ इस तरह का लग रहा है। अब हम इसे कूटेंगे, अब हम इसे मैश करेंगे एंड देन फिर वापस जाएंगे पास्ता सब डाल के। बस मामा बस। तो गाइस, ऑयल गर्म हो गया है
हमने चिकन निकाल के रखा है, सारा साथ डाल दो, सॉटे ही करना है। लहसुन भी डालना है, लहसुन भी डालो, नीचे नहीं गिराना। अब इसको मिक्स करो। अब इसमें काली मिर्च डालो, नीचे करो ना, हवा में उड़ा रही हो। डालो डालो डालो, हम नमक डालो। वाह, दिस इज नमक। डालो बस, मिक्स करो। इतनी स्लो होती ना कि नाक से बनानी पड़ती है। ये हमारी दूसरी वो आ गई है जी, प्रोजा। अभी सॉर्टे हो गया कहीं ना, आ जाओ डालो इसमें, डाल ना। बस केचप ले आओ। गाइस यहाँ पे कायनात बनावटर काट रही है, काटो और उसमें डालो। और मोहसिन हमें किचन में हेल्प करने आ गया, दलालत ही है, टाइम नहीं गुजर रहा भाई, जल्दी काटो और छोड़ देना। हाँ बस डालो इसमें और मोहसिन छोड़ डालो इसको। तो यहाँ पे चिकन के इतना नहीं करना, मोटा मोटा करना है सिर्फ। यहाँ पे बटर हो चुका है, अब मैं इसमें क्रीम डालूंगी। तो गाइस हमने क्रीम डाल दी थी, अभी कुछ ऐसा सा पेस्ट बन गया है और अब एक क्रीम और डालनी है, तो उसके बाद हम ये डाल देंगे, बल्कि अभी डाल देते हैं। तो गाइस के फाइनल रुकी है और देखने में तो बड़ा मजे का लग रहा है, लेकिन जब खाएंगे तो फिर आपको टेस्ट बताएंगे। बहुत मजे के, इसका रोला टूट जाता है। बे साले, तभी मैं नहीं टूटता। अभी हम डालते हैं और फिर बस 5 मिनट रह गए इफ्तारी का, फिर आपसे 10 मिनट। मैंने बनाया और मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खा के बताऊंगी कैसा टेस्ट है, और सारी मेहनत तो निकल गया, समझे बताया कि ये करो। और गाइस टाइम पे दादा को निबलाइज करने चली गई थी, तो मैंने और 5 मिनट रह गए इफ्तार में। हां बस ये देख लें। तो गाइस अब आपको हम इफ्तारी और करीब आ छोड़ा, बहुत सही लग रही है। तो आपको आप बताएं।